ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ। कौन कौन हमारे साथ में लाइव आ चुका है? ओके, धीरज, आदित्य, हिमानी, नेहा, अनुज, मानसी, ऑब्वियसली आदित्य, इतने दिनों के बाद मिले हैं। हाँ, इतने दिनों के बाद क्या मतलब, संडे की तो छुट्टी रहती है, मंडे की भी छुट्टी थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आज कंटेंट ज़्यादा होने वाला है। चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए जो हमारा थॉट है आज का, सबसे पहले मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ में, और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। भाई त्योहार गुजरा है, अभी अभी रक्षाबंधन बीता है। ठीक है, और कई लोगों से मिले होंगे घर परिवार के। ठीक है, कई सारी बातें होती हैं, और ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, और कई बारी आपके एटीट्यूड को लोग आपका ईगो समझ लेते हैं। ईगो अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। ठीक है भाई, आप ईगो का फुल फॉर्म बताते थे कलाम साहब, एलिमिनेटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। क्या फुल फॉर्म है ईगो का? एलिमिनेटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ईगो कभी मत रखिएगा अपने अंदर, ईगो कभी मत रखिए, लेकिन एटीट्यूड तो होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल कोई क्लास नहीं हुई थी अंकित, कल छुट्टी थी। ठीक है, आप ध्यान रखना भाई, आगे के लिए भी अपडेट है कि जो भी हॉलीडेज होते हैं उन पर कोई क्लास नहीं चलती, संडेज पर क्लास नहीं चलती है। ठीक है भाई, ओके। और अगर मान लीजिए कभी मैं छुट्टी पर चला गया तब क्लास नहीं चलेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल अनुज, व्हाट अ ग्रेट डेफिनेशन अनुज, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, और मैं यहाँ से उसको बोलना भी चाहूँगा, रिपीट भी करना चाहूँगा इस अच्छी सी बात को, ताकि और लोग भी समझे। एटीट्यूड विदाउट हम्बलनेस बिकम्स ईगो। कि जब आपके एटीट्यूड से विनम्रता गायब हो जाती है तब वो अहंकार बन जाता है, तब वो ईगो बन जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया अनुज ने, वेरी गुड बच्चे। ओके, ओके हर्षित, चलिए वेलकम बैक हर्षित। ऐसा कुछ नहीं है निशांत, जनवरी से लेकर के जुलाई तक मैं एकदम रेगुलर काम करता हूं, लेकिन अगस्त से लेकर के दीपावली तक, दीपावली तक ठीक है, छुट्टियां आती रहती हैं, क्योंकि ये मेरे आखिरी के 3-4 महीने जो है मैं बड़ा इत्मीनान से बिताता हूँ। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। भाई दो नाम ना बहुत ध्यान से आपको करने पड़ेंगे, दो नाम बहुत ध्यान से। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए भाई साहब, ये हैं मिस्टर सुन वेडोंग, और ये भारत में चीन के एम्बेसडर हैं, और जब तब भाई साहब चर्चा में आते रहते हैं। अभी ट्विटर पर भिड़ गए थे ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर के साथ में। ठीक है, भारत के कई सारे न्यूज़पेपर्स में इनके एडिटोरियल्स आते रहते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स का आना कोई भी गलत बात नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जी हाँ, कि एम्बेसडर्स का काम ही होता है, जो हमारा एम्बेसडर है, हमारे एम्बेसडर कौन है चीन के अंदर में? मिश्री साहब। ठीक है, तो मिश्री साहब का काम है कि चीन की जनता को इंडिया के ओपिनियन से परिचित करवाएं, और इनका काम है कि चीन की जनता के, चीन के ओपिनियन से जो है हमारी जनता को परिचित करवाएं। तो उसमें आर्टिकल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चर्चा में है आजकल, तो बहुत ध्यान से आप लोग जरा ये नाम कर लेंगे। देखो एम्बेसडर्स के नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं मैं आपको कि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आते हैं, लेकिन जब किसी देश के साथ में रिश्ते हमारे बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हों, ठीक है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से सारे मूव चल रहे हों, तो ऐसे में फिर हमें एम्बेसडर्स के नाम देखने पड़ जाते हैं। और कुछ कंट्री तो एवरग्रीन रहते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया,
पाकिस्तान हो गया, हमारे एम्बेसडर उनके यहाँ पर कौन है, उनका हमारे यहाँ पर कौन है, और चीन भी इस लिस्ट में जोड़ लीजिए। सुन भाई, डोंग का नाम आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, ठीक है भाई? अब रटने बोलूंगा, नाम में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, रटने बोलना पड़ेगा और क्या बोलूंगा। चलिए, और ये हैं विक्रम मिश्री साहब, और ये हैं भारत के राजदूत चीन के अंदर में। आ रही बात समझ में? दो नाम है एकदम फैक्चुअल। चलिए आगे चलते हैं, आप इसके बाद में चलते हैं Q&Q सेशन पर। वो दो नाम मैंने अलग से बहुत पहले ऐड कर दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज की क्लास की शुरुआत तो मैं यहीं से करूंगा, ठीक है भाई? इन दो नामों से, सुन वही डोंग और विक्रम मिश्री। चलिए भाई, क्वेश्चन है, हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब व्हेन द जलियांवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, ठीक है भाई? अच्छा, मैंने शहीद ऊधम सिंह के बारे में पढ़ाया था आपको, और ऊधम सिंह के बारे में बात हुई थी तो मैंने आपको सारी बातें उसी दिन बता दी थी। आ रही बात समझ में? तो अब आप लोगों को इसका जवाब भेजना है मेरे को। जरा देखूं मैं कितने बच्चे जो है अवेयर है इन सारी चीजों के बारे में। लेट्स हैव अ लुक। बताओ भाई, और इसका जो सही जवाब है वो है माइकल ओ डायर। इसकी हत्या की थी ऊधम सिंह सर ने। आ रही बात समझ में? कॉक्सटन हॉल के अंदर में, जिसके लिए उन्हें फांसी हुई थी 1940s के अराउंड। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू श्योक रिवर। जरा स्क्रीन पर ध्यान से देख लेंगे। श्योक नदी, मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं श्योक नदी के बारे में, और क्विज को प्रिपेयर करते समय मैंने ध्यान दिया कि जरा श्योक नदी के बारे में एक बार फिर से चर्चा तो बनती है, ठीक है भाई? जरा बताइए, इस नदी की उत्पत्ति, हिंदी में इसे कहते हैं उत्पत्ति, रीमो ग्लेशियर से होती है। इसे मौत की नदी कहा जाता है। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट टू है, ठीक है भाई? अब आप लोगों को जवाब देना है जरा इसका। आप लोग जरा इसका आंसर भेजिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। जरा ध्यान से सुनना, इनकरेक्ट पूछा है मैंने आपसे, ठीक है भाई? बताइए। और इसका सही जवाब है, चलो तुम लोग पहले ट्राई कर लो। ओके, इसका जो सही जवाब है वो है नन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, और इसे मौत की नदी कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसे मौत की नदी क्यों कहते हैं? एंशियंट टाइम्स में इंडिया और चीन के बीच में जो ट्रेड होता था हिमालयन एरिया में, वो इस नदी के एरिया से होता था। अब ये नदी जम जाती थी सर्दियों में। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें होती थी जहां पर कम जमी होती थी, तो पता लगा आप नदी के अंदर में लोग नदी के ऊपर चल करके जो है निकलते थे यहां से। लेकिन अब जहां पर बर्फ पतली होती थी वहां पर आप नदी के अंदर में समा गए, तो इसलिए इसको जो है कहते हैं रिवर ऑफ डेथ। अरे बात समझ में? ये रीजन है रिवर ऑफ डेथ बोलने का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेंबा ट्राइब, मेंबा जनजाति बहुत चर्चा में रही है पिछले दिनों जो है। अब मेंबा ट्राइब बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मेंबा जनजाति, हिंदी वाले बच्चे देख लें पहले तो। मेंबा जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है, बताइए भाई? मेंबा जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र के साथ में है?
और इसका सही जवाब है, द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो अरुणाचल है चीन का एक प्रांत है हुबेई, हुबेई के साथ में बॉर्डर शेयर करता है हमारा अरुणाचल, और इसी हुबेई के अंदर में जगह है वुहान। ये जो जनजातियों के लोग हैं, मेंबा जनजाति के लोग जो हैं आप, ये बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जो हमारे आखिरी गांव है बीसिंग वगैरह वहां पर रहते हैं अरुणाचल के अंदर में। और इन लोगों ने जो है इवन ना भारत ना चीन आप, इन दोनों क्षेत्रों के जो लोग हैं इनको जो है आने से रोक रखा है अपने एरिया के अंदर में, कि आप हमारे गांव में मत आइए, तुम दोनों के यहां पर कोरोना फैला हुआ है, पता लगा हमारे गांव में फैल गया। ठीक है भाई, ये इस वजह से चर्चा में है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज आर एसोसिएटेड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, नई शिक्षा नीति के साथ में इनमें से किस या किन कमेटियों का संबंध है? TSR सुब्रमण्यम कमेटी है और के कस्तूरी रंगन कमेटी है। हाँ भाई, तो आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग जरा इसको बताइए, कोशिश कीजिए किसका सही जवाब क्या होने वाला है। बताओ भाई, देखिए इसका सही जवाब है बोथ, राइट आंसर इज बोथ। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया था। आपको के कस्तूरी रंगन कमेटी तो पता है, ठीक है, बट आप में से शायद ही कुछ लोग जानते हो कि TSR सुब्रमण्यम कमेटी उसके पहले बनी थी। मोदी सरकार ने बनाया था TSR सुब्रमण्यम कमेटी को भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में सुझाव देने के लिए। ठीक है भाई, और TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट्स आई, फिर के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई, उसने रिव्यू किया उन रिपोर्ट्स को, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी के कस्तूरी रंगन कमेटी ने, और इनकी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर NEP को बनाया गया। ध्यान रखेंगे TSR सुब्रमण्यम और के कस्तूरी रंगन दोनों कमेटीज का संबंध है किसके साथ में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में। अरे बात समझ में, तो बहुत ध्यान से करना इसको, फाइन। चलिए ये काफी पहले आई थी, ये भारत की जो है जो पहली शिक्षा नीति थी बच्चे अनुज, वो जो है उसका संबंध था कोठारी कमीशन के, कोठारी कमेटी के साथ में, ठीक है, और UGC वगैरह के जो स्थापना है वो संबंधित है कोठारी से। ओके आगे चलते हैं हम लोग यहां से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, अटल इनोवेशन मिशन एम, एम किसका इनिशिएटिव है? ठीक है, एम जो है चलिए बताइए भाई, एम बिल्कुल सही जवाब है। एम जो है, मैं बहुत बारी बता चुका हूं इस बारे में कि एम जो है वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना एम किसी मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, अटल इनोवेशन मिशन जो है वो नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, अमिताभ कांत। ठीक है चलो भाई आगे चलते हैं, आप जरा आप लोग उसको देखिए एक सेकेंड। देखिए आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उनका इनिशिएटिव क्या है? उनका इनिशिएटिव ये है कि वो मोबाइल क्लासरूम्स जो है
प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास कंप्यूटर्स इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, और इस मोबाइल क्लासरूम को उन्होंने नाम दिया है विद्या वृद्धि। इन्होंने इसको नाम क्या दिया है? विद्या वृद्धि। ठीक है, तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है, और मेरे हिसाब से हर सरकार को, हर राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश के इस बात से ध्यान जो है आंध्र प्रदेश के इस बात से जो है ध्यान दिलाना चाहिए, सीख लेनी चाहिए एक, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के पास में तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना विद्या वृद्धि स्कीम किस राज्य की है, तो ये बड़ी इनोवेटिव स्कीम है और बड़ी यूजफुल स्कीम है जो है आंध्र प्रदेश की, तो ये चर्चा में है, देखो ध्यान रखना। वैसे तो राज्यों के अलग अलग प्लान्स आते रहते हैं, सारे आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एकदम अनोखा प्लान कोई राज्य लेकर के आता है तो वो चर्चा में रहता ही रहता है। विद्यावृद्धि ऐसा ही प्लान है और चर्चा में रहा इसलिए। ठीक है भाई, ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके आगे देखिए, COVID-19 विल लीड टू राइज इन चाइल्ड वेस्टिंग। आप चाइल्ड वेस्टिंग, ये मेल न्यूट्रिशन का इफेक्ट होता है। एक्चुअली है क्या चीज कि आप जिस हिसाब से COVID-19 में नौकरियां गई हैं, ठीक है, जिस हिसाब से फूड चेन के ऊपर में साइड इफेक्ट्स आए हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि बच्चों जो ऐसे फैमिलीज हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनकी इनकम पहले से ही बहुत कम थी, तो उनके जो खास तौर पे बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर में चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग लगातार देखने वाला है। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है एग्जाम का वो है चाइल्ड वेस्टिंग क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है। ठीक है, कुपोषण से जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी बच्चे के अंदर मेल न्यूट्रिशन ज्यादा होता है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होती है, घट जाती है, और जब इम्यूनिटी घट जाती है तो ऐसे बच्चों को कोई भी बीमारी बड़े आराम से जकड़ लेती है। आप लोग मानसून के टाइम पर हर साल सुनते हैं कहीं चमकी बुखार आ गया, 70 बच्चे मर गए, कहीं 150 बच्चे मर गए। ठीक है, लास्ट ईयर जो है यूपी के गोरखपुर के अंदर, बिहार के अंदर में, इसके साथ साथ में राजस्थान के जयपुर के अंदर में ऐसे ढेर सारी खबरें आई थी जहां पर बच्चे लगातार मर रहे थे। अगर रिपोर्ट्स को फॉलो किया हो आप लोगों ने, तो ये वो बच्चे थे जो कुपोषण से ग्रस्त थे बहुत ज्यादा, और बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से बीमारियों का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। ओके, हमारे लिए चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग जो है, जरा स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखिएगा आप, वेस्टिंग के अंदर में क्या है, लो वेट फॉर हाइट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि मिलते जुलते डेफिनेशंस हैं इनकी, ध्यान रखना इस बात को। लो वेट फॉर हाइट मतलब जो भी हाइट है, हाइट की कंपैरिजन में वेट कम होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, वेस्टिंग। हाइट ज्यादा है, वेट कम है, उस हिसाब से वेट बराबर नहीं है हाइट के हिसाब से। अच्छा भाई, आप और ऐसे बच्चे जिनका डेथ 5 साल से कम उम्र में हो जाता है, उसमें चाइल्ड वेस्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगला मुद्दा क्या है, स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या है, लो हाइट फॉर एज। स्टंटिंग में क्या है कि एज ज्यादा है और हाइट कम है बच्चे की, और ये इस बात को दिखाता है कि इस बच्चे को जो है जो न्यूट्रिशंस है वो ठीक से नहीं मिले। बच्चों बहुत ध्यान से करना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की कई सारे रिपोर्ट्स आती हैं, हेल्थ इंडेक्स आता है, और उसके अंदर में चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग की लगातार बात होती है। आपके किसी भी एग्जाम के अंदर में, किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछ लेगा वो, व्हाट इज चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, एक एक लाइन के ऑप्शंस बना देगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज करके, गलत करके चले आओगे। स्टंटिंग का मतलब क्या है, एज के हिसाब से हाइट का ना बढ़ना, और वेस्टिंग का मतलब क्या है, हाइट है लेकिन उस हिसाब से वेट नहीं है हाइट के अकॉर्डिंग। समझ गए, बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। अब ये फाइव आईज, अब देखो ये टर्म है, ये की टर्म है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि अब व्हाट इज फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, व्हाट इज मिल्क टी अलायंस, व्हाट इज बक्स नाइफर, समझ रहे हैं। तो ये सब एक एक सिंगल सिंगल टर्म है, और ये व्हाट इज D10 क्लब सब पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को पहले की क्लासेस में।
पुराने वीडियोस आप देखेंगे सब आ जाएंगे। अच्छा तो व्हाट इज फाइव आईज अलायंस? एक्चुअली ये फाइव आईज अलायंस जो है ये बना है अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट चाइना बना है। अरे बात समझ में। और इसके अंदर में कौन कौन से देश हैं आप देख लीजिए, आप कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप इसके अलावा इसके अंदर में न्यूजीलैंड को रखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो तीन देश ये हो गए और एक न्यूजीलैंड और एक ये, तो पांच देश हो गए फाइव आईज अलायंस। काम क्या है इनका? चीन की पॉलिसीज पर ये निगाह रखे हुए हैं सारे के सारे, और लगातार चीन की पॉलिसीज को रिटेलिएट कर रहे हैं ये पांच देश। इसमें सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग बिहेवियर है वो है ऑस्ट्रेलिया का। मैं आपको लगातार बताता रहा हूं क्लास, अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेंगे सारी चीजें, और ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज आती है वो भी आपको याद रहेगी। देखो ऑस्ट्रेलिया का एम्बेसडर और चीन का एम्बेसडर ट्विटर पर ही लड़ गए थे, मालूम चला होगा आपको, इंडियन मीडिया ने खूब दिखाया था इस न्यूज को। अच्छा भाई वो न्यूज एग्जाम में नहीं आएगी, चिंता मत करो। सुन बेडोंग का नाम इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा मेरी बात सुनिए, अभी है क्या चीज यहां पर। ऑस्ट्रेलिया चीन के प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया की सरकारों के ऊपर में ये आरोप लगे हैं कई बार कि वो चीन के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन अगर आज का आप पूरा माहौल देखें तो माहौल ऐसा हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया एकदम भर भर के खुन्नस भड़ास निकाल रहा है चीन के ऊपर में, और चीन कह रहा है परिणाम भुगतने पड़ेंगे तुमको। आई बात समझ में। अच्छा इन सब के बीच हमारे लिए एक फायदा है, फायदा यह है कि हमारी कई सारी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर में काम कर रही है, माइनिंग वगैरह के अंदर में एक्टिवेट है। और अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है, ठीक है भाई, तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारी सर्विसेज के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ा मार्केट हमें मिल सकता है, कौन? ऑस्ट्रेलिया के रूप में। चलिए भाई आगे चलते हैं। आप इसके बाद में स्कॉच अवार्ड है बच्चों, जरा बहुत छोटा सा मुद्दा है ये, ठीक है, सिंगल स्लाइड में सारा मुद्दा है ये। आपको जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि स्कॉच अवार्ड जो है, ठीक है भाई, ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। और ये दिए जाते हैं ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता है, पॉइंट नंबर वन, ठीक है भाई। अच्छा अब इन अवार्ड्स में होता क्या है कि ऐसी संस्थाएं जो ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, तो स्कॉच अवार्ड जो है इन संस्थाओं के माध्यम से जो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करती है, ठीक है भाई। यह है स्कॉच अवार्ड के बारे में ध्यान रखना। अच्छा भाई अब मैं आपको स्कॉच अवार्ड के साथ में ना एक स्कूल के बारे में बता दूं, एकलव्य मॉडल स्कूल। आप में से क्या कोई मुझे बताएगा कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो कौन से एरियाज के लिए डिजाइन किए गए हैं? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आंसर? एकलव्य मॉडल स्कूल, हाँ बिल्कुल, यमुना एक्सप्रेस वे के जो आसपास का एरिया है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और अच्छी चीज है यार, मेरे हिसाब से यूपी और बिहार इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बहुत अच्छा हब बन सकते हैं। और इससे होगा ये कि वहां के लोगों का जो यूपी और बिहार पर विशेष ध्यान देने वाला है, खास तौर पे यूपी का जो पूर्वांचल का हिस्सा है, बिहार के जो पार्ट है, झारखंड के जो हिस्से हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम वहाँ के लोगों को वहीं पर जॉब दे देंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है भाई, वो अपने एरिया में ही रह सकेंगे लोग और एक अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे। अच्छा चलिए, एकलव्य मॉडल स्कूल, आप देखिए, आप एकलव्य मॉडल स्कूल मैंने जो पूछा था उसका जवाब तनवीर आसिफ ने दिया है, और भी कई बच्चे हैं, हर्षित ने भी दिया है, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। और किसी एक राज्य से जुड़े हुए नहीं है बच्चे स्कूल ये, एकलव्य मॉडल स्कूल जो है ये विशेष रूप से ट्राइबल एरियाज के लिए है। कौन से एरियाज के लिए है बच्चों? ट्राइबल एरियाज के लिए, जैसे नवोदय स्कूल्स है, नवोदय स्कूल सबके लिए है, कि जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नवोदय में लेकर के आएंगे। आई बात समझ में। ये आइडिया था राजीव गांधी का, बेहतरीन आइडिया था नवोदय। और एक बात ध्यान रखना, नवोदय का जो एक प्रायोरिटी रहता है कि वो किसी गांव देहात के क्षेत्र में खोले जाए, या गांव देहात के एरिया के शहर से दूर हो, गांव देहात के आसपास हो, क्या क्यों?
ताकि जो बच्चे वहां पढ़े वो हमारे ग्रामीण भारत को जान सके। अच्छा भाई, आप एकलव्य मॉडल स्कूल का भी यही विजन है, नवोदय के विजन पर ही काम करता है। बस ये डिजाइंड है किसके लिए, हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया के लिए विशेष रूप से। आ रही बात समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अजीत स्कॉच ही नाम रखा गया है इसका, ठीक है भाई। आगे चलिए, मुस्लिम वेमेन राइट डे। अब भाई आप ये मोदी सरकार भाई इसको शुरू करेगी इस साल, ये इसकी पहली एनिवर्सरी है, और निश्चित रूप से भारत की मुस्लिम महिलाओं के जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आएगा, देखने को मिलेगा, धीरे धीरे असर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। और किस चीज का असर, कि ट्रिपल तलाक को खत्म करने का असर। एक बात ध्यान रखना, सिर्फ ट्रिपल तलाक में तलाकुल बिद्दत को खत्म किया गया है, जो तलाक के और मेथड्स हैं, जो जायज मेथड्स हैं पहले से जो चले आ रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे के सारे एजिटिस चलते रहेंगे। लेकिन जो ये हार्ड एंड फास्ट था कि व्हाट्सएप कर दिया तलाक तलाक तलाक, फोन पे बोल दिया तलाक तलाक तलाक, कभी भी कुछ भी, उसको रोका गया है, इस हैरेसमेंट को रोका गया है, ठीक है भाई। अब बड़ा पुराना मुद्दा था, शाह बानो से लेकर के शायरा बानो तक। और चलिए, आप 1 अगस्त आप लोग याद रखिएगा, 1 अगस्त महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और कुछ बातें मैं आपको और बता दूं, दुनिया का पहला देश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है आपके लिए, दुनिया का पहला देश जिसने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मुस्लिम देश, वो था मिस्र। 1929 में ही खत्म कर दिया था उन्होंने इसको। और मजे के बाद देखना, पाकिस्तान ने ट्रिपल तलाक एबॉलिश किया 1956 में, और बांग्लादेश ने खत्म किया 1972 में। और इंडिया के अंदर में जब इसे खत्म करने की बात चल रही थी, तो जो फंडामेंटलिस्ट हैं इस्लाम धर्म के अंदर में, अब वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है भाई। तो सरकार ने एक अच्छी विल पावर दिखाई एंड दे एबॉलिश्ड। एक्चुअली ट्रिपल तलाक सीधे सीधे उल्लंघन था राइट टू इक्वालिटी का, आर्टिकल 14 का सीधे सीधे वायोलेशन था। और आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कि भारत के अंदर में जो अन्य धर्मों की जो महिलाएं हैं उनके लिए तलाक के नियम हैं। अच्छा, वो ऐसे नियम हैं कि जहां पर महिला के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक, सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात हो रही है, ओनली ट्रिपल तलाक, वो एक ऐसे मुद्दे के रूप में उभर रहा था जो कि मुस्लिम महिलाओं के इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन कर रहा था लगातार, वो भय में जीने के लिए मजबूर थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था शायरा बानो केस में। अगर रिसेंट घटनाक्रम की बात करूं, शाह बानो केस तो बड़ा पुराना है, शायरा बानो केस, और ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको अवैध डिक्लेयर किया था। तब से डिमांड चल रही थी कि सरकार को कानून लेकर के आना चाहिए, और सरकार फाइनली कानून लेकर के आई 2019 में, ठीक है भाई। चलिए आप आगे चलते हैं। अरे बच्चे, एक्चुअली देखो, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑर्थोडॉक्स जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो हर धर्म के अंदर में होते हैं, और सती प्रथा का मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप बहुत बढ़िया समझ लेंगे सती प्रथा। अब सती प्रथा जो है इसका विरोध किया था राजा राममोहन राय ने, ठीक है भाई। और राजा राममोहन राय ने जब विलियम बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा को अवैध डिक्लेयर करवाया 1829 में, तो आपको क्या लगता है, लोगों ने राममोहन राय का समर्थन किया? जी नहीं, एक संस्था बनी धर्म सभा के नाम से, और धर्म सभा का काम था सती प्रथा का समर्थन करना। और वो लोग ये कह रहे थे कि राममोहन राय अंग्रेजों से मिल चुका है, धर्म परिवर्तन कर चुका है, आप समझ रहे हैं। तो सती प्रथा जब भारत में हिंदुओं ने जब अबोलिश करी, जब हिंदुओं के अंदर में खत्म किया गया इसको, तो हिंदू समाज का ही एक तबका था जिसने सती प्रथा का समर्थन किया, ये खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारे धर्म के अंदर में हस्तक्षेप है। तो
तो एक बात मैं बता दूं, जब भी कोई समाज आगे बढ़ने का प्रयास करता है ना, नए नियम लाता है वो, ठीक है, तो समाज का एक ग्रुप ऐसा होता है जो उसका विरोध करता है, समझ गए। लेकिन अभी हमारे समाज में एक ऐसा मेंटेलिटी बन गया है ना कि लोग इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पढ़ करके एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना शुरू, फिर सब खराब है, सब खराब कहीं नहीं होते, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल रूल है। जब अमेरिकन्स ने अपने आप को रिफॉर्म किया, उन्होंने गुलामी को खत्म करने की कोशिश की, सिविल वॉर हो गया वहां पर यार, सिविल वॉर हो गया अमेरिका के अंदर में। तो ये हर देश हर समाज की सच्चाई है, ठीक है भाई। चलिए मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आर्टिकल सॉरी राइट टू इक्वालिटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको पढ़ लेंगे। अब ये पॉलिटी की क्लास नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बताने नहीं जा रहा हूं। आर्टिकल 15 भेदभाव का विरोध करता है, जेंडर के आधार पर जो है, और बर्थ प्लेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर। आर्टिकल 16 जो है रोजगार में समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 उपाधियों सॉरी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, बट इसके अंदर में कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद किस बात के लेकर के हैं कि मिलिट्री टाइटल्स और एजुकेशन टाइटल्स, इनको लोग यूज कर सकते हैं, जनरल कर्नल साहब वो सब नाम में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन, डॉक्टर साहब MBBS हो गए, ठीक है, या इंजीनियर हो गया, ये सब टाइटल्स हैं जो कि आपने अपने मेरिट से अर्न किए हैं, तो उनको आप नाम के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। बाकी तो इसमें और भी कहानी है, जो हमारे पद्म अवार्ड्स हैं, भारत रत्न है, वो भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी आकर जुड़ती है, बट वो लंबा मामला है, पॉलिटी का ही मामला है, तो अब यहाँ चर्चा नहीं होगी उसकी, ठीक है भाई। ओके, हाँ विनय, मुझे पता है बच्चे इस बारे में। चलिए आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को राज्यपाल की मंजूरी। भाई साहब, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसकी 3 राजधानियां होने वाली हैं, और यहाँ के राज्यपाल का नाम जरा आप दिमाग में रखें, विश्वभूषण हरिचंदन सर, ये इसके गवर्नर हैं, और गवर्नर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के CM जगनमोहन रेड्डी, जगनन्ना कहते हैं लोकल में उनको, ठीक है भाई। और ये 3 राजधानियां जो है कौन कौन सी होने वाली हैं, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया इन्होंने, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने उठाया है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से उठाया कॉन्सेप्ट? साउथ अफ्रीका से, ठीक है भाई। अच्छा, और यहाँ पे एक IAS ऑफिसर थे GN राव सर, तो GN राव सर की प्रेसिडेंटशिप में कमेटी बनी, तो उन्होंने कहा कि 3 राजधानियां बना लीजिए, तो राज्य के डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान रहेगा फिर हमारा। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं साउथ अफ्रीका भी बताऊंगा आपको, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं। उसके पहले बात कर लेते हैं अपने भारत के अंदर में आंध्र प्रदेश की, बड़ा ही ये यूनिक क्वेश्चन होने वाला है और बहुत चर्चा में रहने वाला है, ठीक है भाई। देखिए, तो अमरावती जो है, आप एक बात ध्यान देना कि शायद मैंने पहले भी चर्चा करी थी, लेकिन अभी राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है इसको, पहले चर्चा चल रही थी कि होगा, मंजूरी अब मिली है, तो इसलिए ये मुद्दा अब चर्चा में फिर से आ गया है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है भाई, तो नए बच्चे जाके देख लें इस बात को। अच्छा भाई, आप अमरावती विधायिका राजधानी होगी इनकी, विधानसभा यहाँ पर होगी, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, सरकार के जो कार्यालय वगैरह हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं विशाखापत्तनम में, और कुर्नूल जो है वो उनकी न्यायिक राजधानी होने वाली है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है इसको। चलिए आगे चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट उठाया कहां से है? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका के बारे में अगर मैं बताऊं आपको इसकी 3 राजधानियां, तो प्रशासनिक राजधानी कहां पर है? प्रिटोरिया में। विधायिका राजधानी केप टाउन में है, और न्यायिक राजधानी ब्लूमटन में है। और ये केप टाउन वही एरिया है जहां पर है केप ऑफ गुड होप, जहां से होते हुए वास्को डिगामा भारत आया था, आ रही बात समझ में? तो ये वही जगह है, ध्यान रखना ये।
केप ऑफ गुड होप, फाइन। चलिए, और ये साउथ अफ्रीका का मैप है, और ये रही प्रिटोरिया, ये इधर है ब्लूमफ्टन, और ये देखिए एकदम दक्षिण में है केप टाउन। और केप टाउन में कौन सी राजधानी है? इनकी विधायिका राजधानी है केप टाउन के अंदर में। अरे बात समझ में। चलिए भाई, तो ये कुछ एक मैप हो गया इसका, देख लेंगे एक बारी फटाफट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम के अंदर में। बिल्कुल सौरभ, सच बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट लुक्स टू सेव बोथ एनिमल्स एंड क्रॉप्स। आप एक्चुअली एक आप लोग न्यूज में कई बार सुनते होंगे वर्मिन, एक कॉन्सेप्ट आप लोग लगातार एक टर्म देखते होंगे वर्मिन। वर्मिन यार ऐसे पशु होते हैं जो इंसानों को, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भारत सरकार का जो है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कौन सा एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत कोई भी राज्य सरकार केंद्र के पास में रिक्वेस्ट भेज सकती है कि हमारे यहां पर यह प्रजाति ज्यादा हो गई है और यह फसलों को, इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है, इसको वर्मिन डिक्लेयर कीजिए। और अगर केंद्र सरकार उस प्रजाति को वर्मिन डिक्लेयर कर देती है तो राज्य सरकार फिर उस प्रजाति की हत्याएं करवाना शुरू करवाती है, मार दो इनको। अच्छा, अब ये होता क्यों है नंबर वन, और इससे नुकसान क्या है? देखिए बात ऐसी है कि कोई भी जंगली जाति, प्रजाति, पशु इंसानों के फसलों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं या इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, इसके लिए दोषी कौन है, इंसान या वो पशु? जवाब है इंसान। मैक्सिमम तो इंसान दोषी है, पशु कम दोषी है, क्योंकि इंसान ने जंगल खत्म किए और जब पशुओं के निवास स्थान खत्म हो गए तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो इंसानी बस्तियों के अंदर में आएंगे और ऐसे में मैन एनिमल कंफ्लिक्ट बढ़ेगा, दैट्स वेरी ऑब्वियस। और इंसान अपनी सुरक्षा के नाम पर अगर इन जीव जंतुओं की हत्याएं करे, ठीक है, वर्मिन डिक्लेयर करके इनको मार दे, तो ये जो एक फूड वेब है, जो एक फूड चैन है, ठीक है, पर्यावरण की, वो पूरी डिस्टर्ब हो जानी है, पूरी डिस्टर्ब हो जानी है, फूड चैन, फूड वेब दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इनिशिएटिव लिया है, अब वो क्या करेंगे वो देखने वाला होगा। आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन क्या है? आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन है, एक तो वर्मिन, वर्मिन क्या होते हैं? तो इंसानों को हानि पहुंचाने वाले पशु होते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, वर्मिन डिक्लेयर करने का प्रोविजन कहां से निकलता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से निकलता है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन तुम्हारे मतलब के थे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में गांधी किंग इनिशिएटिव पासेस यूएस हाउस कमेटी। एक्चुअली है क्या चीज यहां पर, अमेरिका के अंदर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, बहुत बड़े सिविल राइट्स के लीडर हुआ करते थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और महात्मा गांधी के नाम पर वहां पर सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून बनाया गया है। कानून का एक जो है इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है कि जो अमेरिका के अंदर में सिविल राइट्स हैं, जो सामान्य अधिकार हैं जनता के, नागरिक अधिकार जो हैं, उनको बचाने के लिए गांधी और मार्टिन लूथर किंग के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करके इसको चलाया जाएगा। क्या शानदार इनिशिएटिव है। मैं यही देख रहा था कि गांधी भारत की वो पर्सनालिटी हैं जिनको भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा बेचती रही है, खास तौर पे बीजेपी की सरकारें, क्योंकि बेसिकली अगर हम देखते हैं तो गांधी की विचारधारा से उनकी तो मिलती नहीं विचारधारा, सीधी सी बात है। अच्छा, गांधीयन प्रिंसिपल्स को कांग्रेस ने भी कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया है, लेकिन अब गांधी कांग्रेस के मेंबर रहे हैं तो उनका स्वाभाविक रूप से वो बोलते हैं कि नहीं, हम तो गांधीयन हैं। अच्छा, लेकिन आप कुछ देखिएगा कि देश के अंदर में
कई सारे संगठन गांधी को भले टारगेट करते रहे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो पर्सनालिटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो पर्सनालिटी है मोहनदास करमचंद गांधी। और वो इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ना लोग देखते हैं कि पब्लिक डोमेन्स में आपने क्या काम किया है, आपके निजी जीवन में क्या चल रहा था उससे उनको मतलब नहीं होता है। जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन एक नंबर का बेवड़ा जुआड़ी, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था वो, लेकिन क्या शानदार लीडर था वो। निजी जीवन में था ना, अरे बेवड़ा है, शराबी है, जो कुछ है निजी जीवन में है ना, पब्लिक लाइफ में तो नहीं है। पब्लिक लाइफ में तो अपने काम ठीक से कही किए उसने, और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका के अंदर में वाशिंगटन का नाम कितने सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ दोनों अलग होते हैं। हमारे यहाँ क्या है, सब खिचड़ी है। अरे नेहरू सिगरेट पी रहा था, अरे वो जमाना ऐसा था कि जब लोग सिगरेट पीने को इंटेलेक्चुअल्स की निशानी समझते थे। अरे बात समझ में, तो आप उस समय को समझिए ना, और निजी जीवन में क्यों जा रहे हैं, फेफड़े उससे खराब होंगे तुम्हारे क्यों खराब हो रहे हैं, अपना काम तो सही किया ना उसने। और जब आप राजनीति में एक लंबा कैरियर लेके चलते हैं तो ढेरों गलतियां भी आपसे होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, क्यों नहीं होती, सबसे होती हैं। ओके भाई चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें समझने वाली हैं, बहुत बहुत अधिक समझने वाली चीजें हैं। लोग मोदी जी के ऊपर आरोप लगा देते हैं आप लोग कि उनकी वाइफ को टारगेट करके, तो वो भी गलत है जो मोदी जी के बारे में बोल देते हैं इस तरीके से। भाई मोदी जी को टारगेट करो ना उनके काम की वजह से, उनके निजी जीवन में क्यों घुस रहे हो। तो दोनों तरफ है ऐसे लोग, हर जगह पर है ऐसे लोग, और ये दोनों बकवास लोग हैं। अच्छा भाई, तो आपको भैया याद क्या करना है, एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, बड़ी सारी बातें बता दी मैंने जोड़ करके, ठीक है। अब यहां पर काम की चीज क्या है, काम की चीज है गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, कहां पर बनाई गई है, अमेरिका के अंदर बनाई गई है ये, ठीक है भाई। कुछ ज्यादा ही मैंने क्रांति कर दी इसमें, जरा साफ करने दीजिए इसको, ठीक है भाई। गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी अमेरिका में बनाई गई है, दैट्स इट। आपको बस अमेरिका और गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी, और हाँ ये किंग कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ध्यान रखना। और कई बार पूछा गया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। और 1947 पैक्ट ऑन गुरखा सोल्जर्स, रिडंडेंट, निरर्थक। भाई ये न्यूज बड़ी शॉकिंग आई। एक्चुअली हुआ ये था कि 1947 का भारत, मैं आपको ऐसे बताता हूं ट्रायंगल बना करके ना, बढ़िया समझेंगे आप। इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन, ठीक है, इनके बीच में एक समझौता था कि गुरखा जो है नेपाल के रहने वाले हैं, और ये इंडिया, इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी दोनों के अंदर में शामिल किए जा सकते हैं। और 1947 से लगातार गोरखा लोग इंडिया और ब्रिटिश आर्मी दोनों के अंदर में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। जी हाँ, आपको इंडियन तो पता होगा, ब्रिटिश आर्मी नहीं पता होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नेपाल में एक जगह है पोखरा, आप एक सेकेंड रुकना, नेपाल में एक जगह है पोखरा, और पोखरा के अंदर में हर साल एवरी ईयर ब्रिटेन की आर्मी एक कैंप लगाती है, और वो गुरखास को रिक्रूट करते हैं यहाँ से। और हमारे यहाँ तो कई सारे रेजिमेंट्स हैं गुरखास रेडी, गुरखास के जो है। नेपाल के मंत्री ने कहा है कि अब ये जो समझौता था ये बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में गोरखा सोल्जर्स जो हैं वो आपको ब्रिटिश आर्मी के अंदर में, इंडियन आर्मी के अंदर शायद देखने को ना मिले। और बाकी बातचीत क्या होती है इन तीनों देशों के बीच में वो देखने वाली होगी। अगर ये समझौता चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नेपाल ने तो अपना स्टैंड ला के सामने रख दिया है। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहां पर है क्या चीज, आप एक सेकेंड रुकना, ये बात चर्चा में कहां से आई, ये बात चर्चा में आई 1814 से 16 के बीच में। क्या हुआ था यहां पे,
1814 से 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, ये ब्रिटेन का जो है गवर्नर जनरल था भारत के अंदर में, और नेपाल और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर में अंग्रेजों ने गुरखाओं की बहादुरी देखी। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूं, याद आ रहा है, 1816 का सुगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली की संधि पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। और इसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने 1815 से डिसाइड किया कि हम अपनी सेना के अंदर में जो है गुरखास को रिक्रूट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये स्टोरी है, यहां पे ध्यान रखना, एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ट्रीटी ऑफ सुगौली, यहां से गुरखास की एंट्री होनी शुरू हुई थी। और 1947 का ये ट्राइलेटरल पैक्ट इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल के बीच का, जिसकी वजह से गुरखास हमारे यहाँ सेवाएं दे रहे थे। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब इन्होंने मना क्यों किया है मंत्री साहब ने? मंत्री साहब का कहना है कि ब्रिटिश आर्मी हमारे सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, उनको सैलरी ठीक से नहीं मिलती है, उनको रिटायरमेंट होने के बाद में जो है उनको जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो ठीक से नहीं मिलते, तो इस बात को लेकर के उनका विरोध है। अब कोई बात अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। फिर तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या है, अब जरा उसकी बात कर लें। एग्जाम का क्वेश्चन है सबसे पहले तो कि गुरखाओं को लेकर के, गुरखा सैनिकों को लेकर के त्रिपक्षीय समझौता किनके किनके बीच हुआ था? जवाब है ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल के बीच। इंडिया नेपाल तो लोगों को पता होता है, ब्रिटेन मिस कर जाते हैं, तो ब्रिटेन पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर वन। अच्छा भाई, और इंडिया के अंदर में जो है जो पहली गुरखा रेजिमेंट थी, दैट वाज 11th गुरखा राइफल्स, 1948 में इसको बनाया गया था। अच्छा भाई, आप इसके अलावा ट्रीटी ऑफ सुगौली पहले भी चर्चा में आ चुकी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपालीज वार, दैट्स इट। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मतलब के हैं। फाइन, आगे चलते हैं। डाइल्यूटिंग द ई आई ए प्रोसेसेस स्पेल्स अ पाथ ऑफ नो रिटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और मैंने बहुत बार इस मुद्दे को डील भी किया है अपनी क्लासेस के अंदर में। आप ई आई ए दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और भारत में आने वाले दिनों में मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा शायद, क्योंकि कोई भी सरकार हो पर्यावरण को लेकर के सब अनिच्छुक हैं, ऐसा लगता है कि सब मान चुके हैं कि धरती को बचाया नहीं जा सकता है, उनकी हरकतें देख के यही लगता है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कोई चर्चा ही नहीं है, और भारत सरकार ने एक ईआईए के जो नए रूल्स लेकर के आई है हमारी गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप किसी भी एरिया के अंदर में डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर के, रणनीतिक मुद्दों को लेकर के, वो कोई भी मतलब परमिशन दे सकते हैं, फिर वहां के बायोडायवर्सिटी जिए और चाहे मरे। अब यहां पर जो मुद्दे हैं खास तौर पे ध्यान देने वाले एग्जाम के, वो ध्यान दीजिए जरा। एक तो इंडिया स्टॉक होम डिक्लेरेशन 1972 पे साइन कर रखा है, और स्टॉक होम डिक्लेरेशन बात करता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। अच्छा भाई, और इसी के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 और एयर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट 1981 को पास किया। अच्छा भाई, इसके बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम एक एक्ट लेकर के आए 1986 के अंदर में, सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भोपाल गैस लीक, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, 1984, और गैस कौन सी थी? MIC, मेथिल आइसोसाइनेट। अच्छा भाई, अब EIA के जो पहले नियम आए थे वो आए थे 1994 में। आप देखिए कि हमने स्टॉक होम डिक्लेरेशन पर साइन किया 1972 में, अधिनियम बनाया 1986 में, और EIA के नियम कब लेकर के आए? 1994 में। तो आप समझ रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम कितना जो है मोटिवेटेड है, आप देख लीजिए गाइडलाइंस, आप टाइम देख लीजिए इसका। अच्छा भाई, इसके बाद 2006 में UPA की सरकार लेकर के आई नई गाइडलाइंस,
और फिर जो है 2020 में वर्तमान सरकार लेकर के आई है गाइडलाइंस। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एक्ट्स, ध्यान रखना ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन बिड फॉर एयरपोर्ट टू हाई, अब देखो जरा ये महत्वपूर्ण कैसे है। बांग्लादेश के अंदर में लगातार चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में लगातार कॉन्टैक्ट में है। नेपाल हमको लगातार आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका हमारी सुन नहीं रहा, भूटान भी कह रहा है कि चीन से बात करेंगे ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कर लें। म्यांमार वैसे ही है, चीन का पिछ लग गया, छोड़ दो उसको। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, मैंने पीछे काफी सारे देशों के जो भारत के पड़ोसी हैं उनसे आपको परिचित करवाया था। और भारत के जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह हैं वो लगातार एक बात कर रहे हैं कि हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो सिंघम स्टाइल में कर दी है, सिंघम स्टाइल में। और जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना वो सिंघम स्टाइल में नहीं चलती है। आपके पड़ोसियों को अगर आपसे डर लगने लगेगा ना तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी का प्रोविजन ढूंढना शुरू कर देंगे और इसका सीधा फायदा उठाएंगे आपके दुश्मन। तो हमें जो सिंघम स्टाइल की फॉरेन पॉलिसी है ना वो थोड़ा डाउन लानी पड़ेगी, अपने पड़ोसियों को भरोसे में लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सामने समस्याएं वैसे कम नहीं है। आई बात समझ में कि और समस्याएं बढ़ा लें। चलिए देखिए अब यहां पर है क्या चीज। बीजिंग का एक अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप है, इन्होंने जो है ढाका के अंदर में एयरपोर्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया, इनको मिल गया सिलहट के अंदर में। अब ध्यान रखना सिलहट भारत के बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है। हमारी कंपनी थी लार्सन एंड टुब्रो, उसने बिड लगाई थी बट उसकी बिड ज्यादा निकली, इनकी बिड कम निकली, तो इनको मिल गया भाई। आप मैप पर देखो आपको समझ में आएगा सिलहट। यहां पर देखो भाई साहब ये है सिलहट, और अब अगर चाइनीज यहां आके बैठे तो पड़ोस में है मेघालय, ये है त्रिपुरा, इधर है मिजोरम, अरे बात समझ में। और यहां से चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो हमारा बहुत दूर नहीं है, और चीन भूटान के रास्ते लगातार चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर में आंखें गड़ा के बैठा हुआ है। तो कई बार फायदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट, समझ गए। कई बार घाटा करवा करके भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखे जाते हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह फायदा ही उठाओ आप, समझ गए। चलिए आप हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे निकले, ठीक है। आप लोगों ने मैप दिखा दिया मैंने बाकायदा आपको, ठीक है। सिलहट कहां पर पड़ता है ध्यान रखना, बांग्लादेश के अंदर की जगह है सिलहट पोर्ट, ध्यान रखना इसको। ओके ओके, बाकी सारी बातें मैंने बता दी आप लोगों को। बांग्लादेश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को, आ रही बात समझ में। तो भारत के वो देश जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आप यहां पर आप देख लीजिए बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर क्वेटेड फाइनेंशियल रीजंस फॉर चूजिंग चाइनीज फर्म ओवर इंडियाज। यहां देख लीजिए भारत की लार्सन एंड टुब्रो LNT, आप वन राशन वन कार्ड फैसिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस 24 राज्यों के नाम, मतलब नाम वैसे नहीं कि 24 स्टेट हो गए हैं, 24 स्टेट्स हो गए हैं जहां पर वन राशन वन कार्ड फैसिलिटी, वन राशन कार्ड फैसिलिटी को जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है भाई। ओके, आप इससे बेनिफिट होगा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, कि मान लीजिए यूपी का लेबर है दिल्ली में आके काम कर रहा है, और अगर वो वन राशन कार्ड फैसिलिटी के तहत में आता है तो दिल्ली में उसको एटलीस्ट फूड वगैरह मिल जाएगा ठीक से,
ठीक है, तो जो जो हमारे लेबर्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल स्कीम होगी अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट किया गया तो। अच्छा प्लान है। ओके, सैमसंग फॉक्सकॉन 20 अदर्स अप्लाई अंडर इंसेंटिव स्कीम। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था, इंडियन गवर्नमेंट करीब 11.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। अभी गवर्नमेंट एक प्लान लेकर के आई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट कुछ छूट आपको देगी। इसमें करीब 22 कंपनियों ने जो है एनरोल कराया है और इससे एडिशनली करीब 11,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट आएगा जो है आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। और एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के दम पर ही चीन ने ग्रोथ किया था। याद है ना, एक जमाने में उनके फोन आधा आधा किलो के फोन आते थे उनके, हैं, और धीरे धीरे उन्होंने चीजें इंप्रूव की और फिर उनके फोन देखिए आप किस तरीके से आने शुरू हुए, कैसे मार्केट को कैप्चर किया उन्होंने हमारी। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है यहां पर PLI स्कीम को, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, और ये जुड़ी हुई किससे हैं, जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ में। ठीक है भाई, सैमसंग किस देश की कंपनी है, ये अगेन एक क्वेश्चन रहता है और बहुत बार चर्चा में भी दिखता है, साउथ कोरिया। ठीक है भाई, आप थ्री स्टेट्स रैंक हाई इन द ढोल कंजर्वेशन। ढोल नॉर्मली कई सारे लोकल एरियाज के अंदर में इसको अलग अलग नाम मिलते हैं इसके जो है, अलग अलग एरियाज के अंदर में। वाइल्ड कैट कैटेगरी में आता है, वाइल्ड डॉग कैटेगरी में आता है ये, और कर्नाटका, महाराष्ट्र और एमपी ने जो है इसको जो है ढोल कंजर्वेशन में काफी काम किया है इन राज्यों ने, और इसका नाम है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ठीक है भाई, ओके, इसका साइंटिफिक नेम दिमाग में रखेंगे, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। बाकी पॉइंट्स आप लोग देख लेना यार, सब पुराने पॉइंट्स हैं। ठीक है, IUCN की लिस्ट है और हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो है, ये सब मुद्दे पुराने हैं, मैं बार बार क्या बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं, NAP ड्रॉप्स मैंडारिन। देखो NAP फिर चर्चा में आई है क्योंकि NAP में मैंडारिन को ड्रॉप कर दिया गया है। जो विदेशी भाषाएं भारत में पढ़ाई जाती हैं उसमें मैंडारिन भी थी, और यह कहां की भाषा है, चाइनीज। आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन कि हाल ही में NAP में कौन सी विदेशी भाषा को ड्रॉप किया गया है, हटाया गया है, जवाब क्या होगा, मैंडारिन। और मैंडारिन कहां की भाषा है, चीन की भाषा है। दो तीन क्वेश्चन है यहां पे, दैट्स इट। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ US बेस्ड टेरर ग्रुप अरेस्टेड सेज इरा। मजे की बात है ना, जरा आप देखो इसको, कि भाई साहब अभी अभी अलर्ट आया है कि ट्रंप ने टिकटॉक का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया है। अभी अभी की न्यूज है, सत्या नाडेला से बातचीत हो गई है, तो मतलब इसका यह है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है। ये बात समझ में, ये न्यूज चल कई दिनों से रही है, मैं बता इसलिए नहीं रहा था क्योंकि डील फाइनल हो तब बताऊं, ऐसे तो बातचीत बहुत सारी होती रहती है। अरे बात समझ में, तो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा जब तक कि आज शाम तक कोई और डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, और जब ये डील फाइनल हो जाएगी तब मैं बता दूंगा इस बात को कि टिकटॉक जो है अब माइक्रोसॉफ्ट का हुआ। ठीक है भाई, डील फाइनल होने का वेट कर रहा हूं मैं बस। आगे देखिए भाई साहब, ईरान बोल रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका का आतंकवादी समूह है और इसका नाम क्या है, तोंडार। क्या नाम है इसका, तोंडार, और ये ईरान को अनस्टेबल करना चाहता है, और इसका जो आतंकवादी जब मुखिया है इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये निश्चित रूप से जो है अमेरिका और ईरान के रिलेशंस को एक नए गहराई की तरफ लेकर के जाएगा, बर्बादी की तरफ और लेकर के जाएगा। ठीक है भाई,
बहुत सारे लोग भारत में खुश हो रहे होंगे, अरे माइक्रोसॉफ्ट खरीद ले खरीद ले खरीद ले प्लीज खरीद ले। भारत में ढेरों लोग होंगे जो मना रहे होंगे, खरीद ले भाई खरीद ले, ठीक है, क्यों जैसे ही खरीदेगा तो इंडिया के अंदर टिकटॉक फिर से आ जाएगा। फिर ओके तो चलिए भाई देखिए, टोंडार, टोंडार का नाम याद रखिएगा जरा बच्चे, ठीक है, डू रिमेंबर दिस थिंग टोंडार। एंड दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, यहाँ पे टोंडार का नाम ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट अचीव्स क्रिटिकलिटी। आप अरब वर्ल्ड, ठीक है, मतलब जो गल्फ का एरिया है वो दुनिया। अच्छा भाई, अब यहां पर एक देश है यूएई, और यहीं पर बना है अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अरब पेनिनसुला है ये वाला क्षेत्र, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, इसकी बात हो रही है, यमन, ये अरब पेनिनसुला है, अरब वर्ल्ड कह देते हैं इसको हम लोग। अच्छा भाई, क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है कि अब यहां से जो है आप न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर तक वो पहुंच गया। कहां पर बना है ये? बाराकाह एक जगह है, वहां पर बनाया गया है, कोरिया, साउथ कोरिया की कंपनीज ने बनाया है इसको। और एक बात ध्यान रखना, यूएई ही वो पहला देश है अरब दुनिया का जिसने मंगल मिशन लॉन्च किया है होप के नाम से। तो यूएई साइंस एंड टेक की न्यूज की वजह से काफी चर्चा में है इन दिनों, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से पढ़ें। यूएई के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया था कि सात यहां पे अमीरात है, वो मिलकर के इसको बनाते हैं, सात अमीरातों के पूरे मैप दिखाए थे मैंने आपको। अबू धाबी राजधानी है और सबसे बड़ा अमीरात भी अबू धाबी है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिए भाई, यूएई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अभी हाल के दिनों में, तो प्लीज गाइस बहुत ध्यान से कर लेना इसको, ठीक है भाई। ओके, आप चलिए भाई, आप ये आज का पूरा सेशन था फाइन, और मैंने काफी सारी बातें, आप आदित्य शायद मेरा ध्यान नहीं गया या उनका लॉन्च हो गया है, मेरा ध्यान ही नहीं गया शायद उस तरफ। मैंने प्रेजर्वेंस के बारे में पहले ही बता दिया था, शायद प्रेजर्वेंस नाम है उसका, ठीक है भाई। चलिए, आपने ध्यान दिलाया मुझे, बहुत अच्छा किया, और अगर उसमें कुछ और काम के डेवलपमेंट देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको कल बता दूंगा, ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं से, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा लंबी क्लास चली आज की, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों का डेटा था, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले सेशन में कल, ठीक है भाई, थैंक यू।